बैक टू माय चैनल गिना व्लॉग गिना। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ कीमा करेले, उसमें मटर भी ऐड करूँगी। बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी है जो मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। ये फ्राई पैन में ऑयल पड़ा हुआ है, इसमें मैंने पकौड़े फ्राई किए थे, तो उसी में मैंने सोचा कि मैं करेले भी फ्राई कर लेती हूँ। और ये मेरे पास करेले हैं, इसको मैंने इस शेप में काट लिया है और इसको मैंने वॉश करके तो ये कट कर लिए थे। आप भी इस तरह के कट कर सकते हैं या जिस तरह आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। मैंने इस तरह कट किए थे, ये करेले थे मेरे पास हाफ के जी। तो इनको मैं ऐड करती हूँ फ्राई पैन में। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल हीट है इसकी। तो जैसे जैसे ये पकते जाएंगे, लाइट से ब्राउन होते जाएंगे, तो फिर मैं इनको निकालूंगी और साथ साथ मैं दूसरा जो काम है वो भी साथ साथ स्टार्ट करती हूँ ताकि रेसिपी ज़्यादा लंबी ना हो और कंप्लीट हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटने, अगर आप बारीक काटेंगे इनको तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने इतने काटने हैं। ये आपको ये देखिए इतने आपने कट करने हैं, इस तरह हो, थोड़े मोटे साइज़ में हो। अगर आप इस तरह करेंगे कि साइज़ इनका रखेंगे बिल्कुल बारीक बारीक रखेंगे, तो वो फिर जब आप फ्राई करेंगे ना तो वो बिल्कुल छोटे से हो जाएंगे, वो यमी नहीं लगेंगे। आप इनको बड़ा करें तो जब ये फ्राई होंगे तो ये थोड़े से ना स्मॉल साइज इनका हो जाएगा, साइज इनका यही नहीं रहेगा। इनको मैं कुक होने देती हूँ लाइट ब्राउन होने तक, तब तक मैं अपनी दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ कीमा पकाने के लिए, तो ताकि जल्दी रेसिपी कंप्लीट हो जाए। देखिए अब ये कुक होना स्टार्ट हो गए हैं, अभी इनको कुछ टाइम लगेगा, अभी ये कंप्लीट कुक नहीं हुए। जब इस तरह हो तो आप इनको टर्न कर सकते हैं ताकि ये इक्वली कुक हो। जैसा कि रमज़ान है तो इफ्तारी के बाद तो मैं तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, हमारे घर में तो नहीं खाते, तो मैं और मेरे हबी तो हमने कभी भी इफ्तारी के बाद खाना वगैरह नहीं खाया। मोस्टली लोग खाते हैं, अगर खाएं तो फिर ये बनाए रेसिपी और फिर लस्सी वगैरह के साथ बहुत यम्मी लगेगा। और कुछ लोग ना इनमें डालते हैं लस्सी भी डाल के बनाते हैं, मैंने देखा है वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। इंशाल्लाह वो भी कभी आपको बनाना सिखाऊंगी मैं। ये देखिए ये अभी 20% कुक हुए हैं, तो इनको मैंने कंप्लीट कुक नहीं करना बिकॉज मैं कीमे में भी डालूंगी तो जो रह जाएंगे वो उसमें कुक हो जाएंगे, तो आप सारे इसी में ना कीजिएगा। अभी इनको ऑलमोस्ट 5 मिनट लगेंगे कुक होते हुए, तो इतने में साथ में मैं कीमा भी बनाना स्टार्ट करती हूँ। इस देगची में मैंने ऑयल डाल लिया, ऑयल मैंने हाफ कप डाल लिया बिकॉज कीमे जब मैं सॉरी जो करेले हैं वहाँ पे फ्राई हो रहे हैं तो उसमें भी ऑयल है, तो अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा डालूँगी तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाएगा, तो बहुत बुरा लगेगा खाने में। ऑयल मैंने हाफ कप डाल दिया इसमें। तो ये देखिए ऑनियन था मेरे पास बड़े साइज़ का, 1 ऑनियन मैंने रफली इसको काट लिया, तो इसमें जाएगा। फ्लेम मैंने कर लिया ऑन, अब इसको मैं करती हूँ मिक्स। ये भी लाइट सा ब्राउन होगा तो फिर इसमें मैं बाकी का प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी।
कुक करूंगी, लाइट ब्राउन होने तक इसको मैं कुक करूंगी। तो अब मैं आपको मैं ग्रिल दिखा देती हूँ कि वो किस स्टेज पे पहुंचे हैं। ये देखिए ग्रिल, बस 1 मिनट इनको मजीद लगेगा। ऑलमोस्ट ये कुक हो गए हैं, तकरीबन 1 मिनट इनको मैं मज़ीद कुक करूँगी। उसके बाद मैं इनको ऑयल इनका सारा निकाल लूँगी, ऑयल नहीं मैं सब जाने दूँगी साथ इनके। अगर ऑयल ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं ना, और जो भी न्यू हो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट्स करके भी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अब इस स्टेज पे मैं फ्लैम करती हूँ, और अब ये देख लीजिए मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। आपने इतने ये कुक करने, इससे ज़्यादा इनको कुक नहीं करना। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए एक रेले मैंने फ्राई पैन से इनको निकाल लिया, ऑयल इनके सारा साइड पे हो गया, और ये देखिए इस तरह के हो गए। ये देखिए आपने भी इतने ही कुक कर लेने। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑनियन। ऑनियन ऑलमोस्ट कुक हो गया है, इसको 1 मिनट और लगेगा। तो उसके बाद में इसमें बाकी तो प्रोसीजर आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। ये मेरे पास मटर है, ये तकरीबन पाव है, और ये रेड चिली है मेरे पास भी, और ये टमाटो मेरे पास है, फिर ये भी मैंने लिए थे, और इनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया। रेड चिली मैंने 3 ली है, और ये केसरी ग्रीन चिली मैंने 3 ली है, रेड मैं कम यूज़ करूँगी। और आप लोग भी जो रेड चिली है उसको आप अपने खानों में ज़्यादा यूज़ ना करें, उसको आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत से हैं और ग्रीन चिली के साइड इफ़ेक्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू रेड चिली। और ये आप अपने खानों में ग्रीन चिली ज़्यादा यूज़ करें, ये अच्छी है। ये देखिए ऑनियन ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स थे ये सब इसमें जाएंगे। ये वाली जो मैंने आपको दिखाई, तकरीबन 1/2 kg से थोड़ा ही कम है, ये भी इसमें जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं सॉल्ट, अभी ऐड कर सकते हैं, बट मैं थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी, क्योंकि सॉल्ट अभी ऐड करने से फिर ये जो मटर है ये गलने में टाइम लगेगा इनको। और सॉल्ट आप कोशिश किया करें आप लास्ट थोड़ा पहले डाल दिया करें, क्योंकि सॉल्ट डालने से फिर कुक होने में ज़्यादा टाइम लगता है, कुक फिर चीज़ लेट होती है, आपको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब ये जो मैंने करेले फ्राई किए थे ये भी इसमें जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने इसमें टर्मेरिक, रेड चिली, सॉल्ट, ये चीज़ें मैंने अभी ऐड नहीं की, तो मैं अभी वो भी ऐड करूँगी।
फिर इसमें जाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट, सॉल्ट आप कम ही इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि सॉल्ट से भी बंदा मोटा होता है, सॉल्ट ज़्यादा ना ऐड करें, सॉल्ट में कम ऐड किए। और इसके बाद इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर में इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। आप ज़्यादा ना यूज़ करें, इसको अवॉइड करें, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। और अब मैं टर्मरिक डालती हूँ इसमें, टर्मरिक इसमें जाएगी 1 टीस्पून। इन सबको मैं मिक्स करती हूँ। अच्छे से आप इनको मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद आपने जो फ्लेम है उसको आपने करना है कम। अब इसको मैं रखूंगी 5 मिनट के लिए। आप इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी स्लो कर दीजिए और 5 मिनट के लिए रखें। और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। वाटर आपने इसमें ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, जो इसमें ऑयल है इसी में ये पकेगा। जो मैंने टमाटो इसमें ऐड किए, टमाटो मैंने फ्रीज किए हुए ऐड किए थे। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब मटर थोड़े से हार्ड हैं तो तकरीबन 2-3 मिनट्स लगेंगे इसमें ये कुक हो जाएंगे। इनको मैं 2-3 मिनट्स तक रखती हूँ, कवर करती हूँ। बस थोड़ा सा फर्क है फिर ये रेडी हो जाएंगे, तो इनको मैं डिश आउट करूँगी। मिलते हैं 3 मिनट्स के बाद। चलिए अब देखते हैं कि कितना इसको टाइम डीप लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, कीमा करेले हो गए हैं रेडी। अब इनको मैं करती हूँ डिश आउट। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। जो भी न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट्स करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।